हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजरुल अलीम। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एलईडी ट्यूबलाइट कैसे रिपेयर होती है पूरी डिटेल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इसलिए हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तीन आज हम रिपेयर करेंगे 18 वाट की ट्यूबलाइट को। ये देखो, ये सिस्का की एलईडी ट्यूबलाइट है 18 वाट की। जैसे कि आप देख सकते हो 18 वाट। पहले हम इसे चेक करेंगे, ये चालू है या बंद है। ये हमारा एक सीरीज बोर्ड है, हम इसमें चेक करते हैं इसे। ये देखिए, हमारा बल्ब नहीं जल रहा, तो मतलब हमारा ये बंद है। अब हम इसे डायरेक्ट चेक करते हैं। ये देखिए, हमारी एलईडी ट्यूबलाइट बिल्कुल नहीं जल रही। ठीक, अब हम इसे खोलते हैं। चलिए, ट्यूबलाइट जो ज़्यादा बड़ी है इसलिए पूरी कैमरे के अंदर नहीं आ रही। हम आपको जहाँ से रिपेयर होगी वो चीज़ दिखाते हैं। अब हम इसे खोलते कैसे हैं, ये देखिए, हमारे पास पीछे ये लगे होते हैं लॉक, जैसे कि आप देख सकते हो ये लगा है। इसे हमें खोलना होता है। ये कैसे, इधर एक लॉक दिया होता है जे, इसे हम सिंपली चिमटी से दबा के, किसी भी चीज़ से इसे नीचे दबा के इसे ऊपर की तरफ खींचते हैं। देखिए, जे हमारा हट गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वायर है इसे अंदर की तरफ पुश करेंगे, और जे हमारा पीछे एक स्ट्रिप दी होती है एलईडी लाइट की, और इधर हमारा एक सर्किट होता है। ये हमें इसे पुश करेंगे तो हमारा ये सर्किट बाहर आ गया, और ये हमारी प्लेट, ये देखिए। इसे हम यदि आपका ये वायर अंदर घुस जाता है तो पूरा, तो आप कैसे वापस इसके अंदर ले, एक वायर लेना बड़ा सा, उसे आप यहाँ से डाल देना और बाहर निकाल लेना, और उसे फिर आप धीरे धीरे खींचना, जो हमारा वायर वापस इसके अंदर से आएगा। या पहले ही आप इसके अंदर वायर या कोई धागे से इसे बांध देना और उसे बाहर निकाल लेना। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा सर्किट बाहर आ गया। हम देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। हम इस वायर को बाहर नहीं निकाल ले, हम इसके कनेक्शन पहले ड्राइवर के अंदर से हटा देते हैं आयरन की मदद से। इन ताकों को हम खोल लेते हैं। क्या हमारा ड्राइवर इस वायर से अलग हो गया। ठीक है, ठीक। अब हम ये पूरी बाहर निकालते हैं। देखिए, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारी क्या चीज़ ख़राब है। पहले नंबर हम देखेंगे कि हमारे, पहले हम देखेंगे कि सर्किट के अंदर तो हमारी कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है। पहले हम देखेंगे अपने सर्किट के अंदर कोई चीज़ कंपोनेंट फटा और का जला तो नहीं है। तो हमने देखा कि हमारा ये रेजिस्टेंस जला हुआ है, जो हमारा रेजिस्टेंस टूटा हुआ है। जो देखिए, यदि आपका जे भी नहीं होता, यदि जो ट्यूबलाइट है ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आती है, बंद चालू या मद्दी मद्दी जलती है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, जो हमारी जे एलईडी जा रही हैं इस पत्ते में, कि जो भी एलईडी हमारी ख़राब होगी तो वो हमारी काली हो जाएगी। जो ये एलईडी है उसे हम चिमटी से शॉर्ट करके देखेंगे तो हमारी ये पूरी एलईडी चल जाएगी। और यदि आपको चेंज कैसे करते हैं ये देखना है, तो हमारी आई बटन में हमारी वीडियो मिल जाएगी आपको कि कैसे चेंज करते हैं एलईडी बल्ब को। हम देखते हैं हमारा ये रेजिस्टेंस ख़राब है, हम रेजिस्टेंस को चेंज करके देखते हैं। ये रेजिस्टेंस हमारी जल चुकी है, इसकी एक प्रॉब जल चुकी है, हम इसकी जगह पे दूसरी रेजिस्टेंस लगाएंगे।
ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है एसी की जैसी, उसे हम इस जहाँ से इसे उखाड़ा था हमने उसी जगह पे हम इसे लगा देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो हम इसे आयरन की मदद से लगा देते हैं। जे यदि आपके जो ट्यूब लाइट है उसमें ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आए तो ये समझ लीजिए जो हमारे ये छोटे वाले कैपेसिटर दिख रहे हैं ये वीक हो जाता है या फट जाता है, तब ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आती है हमारी। और दूसरा वाला है इसमें जब हमारा एलईडी डेड कंडीशन में आ जाती है ट्यूब लाइट तब ये भी वीक हो जाता है और फट जाता है। यदि बिल्कुल स्लो मंदी जल्दी होती है तो हमारा जो बड़ा वाला कैपेसिटर है ये वीक हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ये कैपेसिटर चेंज करके देखना है कि ये, और बिल्कुल डेड कंडीशन में हो तो पहले हम फिजिकल देख लें कि हमारी कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्ट हो तो उसे चेंज करके देखें। ठीक तीन, अब मैं बताऊंगा इस सर्किट की हर एक कंपोनेंट को कैसे चेक करें। जो हमारा जो रेजिस्टेंस है उसे चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को लेंगे। जो हमारा मल्टीमीटर है मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर रखेंगे। ठीक, जैसे हमने जो लगाया जे इसे चेक करने का तरीका होता है एक इस लेग पे और एक दोनों लेग पे हम एक एक लगाएंगे तो बीप की आवाज़ आएगी, कंटिन्यूटी की आवाज़ आएगी, तो समझ लीजिए जे हमारा रेजिस्टेंस सही है। और यदि कंटिन्यूटी की आवाज़ नहीं आए बीप की तो समझ लो जे हमारा रेजिस्टेंस ख़राब है, इसे रिप्लेस कर दें। और इसे चेक करने का तरीका है कंपोनेंट है हमारा MOV जो पीले कलर का दिख रहा है आपको, यदि जे फूक जाता है तो जे हमारा तुरंत हमारे रेजिस्टेंस को भी शॉर्ट कर देता है, फूक जाता है। और इसे MOV को चेक करने का तरीका है हम मल्टीमीटर की दोनों प्रोबों को कंटिन्यूटी पर रख के दोनों प्रोबों को इसके दोनों लेग्स पर लगाएंगे तो कोई रीडिंग नहीं आएगी ना बीप की आवाज़ आएगी। यदि रीडिंग आती है और बीप की आवाज़ आती है तो समझ लो हमारा जे MOV ख़राब है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा PF कैपेसिटर, यदि ये ख़राब हो जाता है तो हमारी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है, ब्लिंकिंग की जैसे नेक जलते जलते फ्लक्चुएट होता है उसकी प्रॉब्लम। इसे चेक करने का तरीका है कि जे फटा हुआ दिखाई देगा आपको, यदि ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसे रिप्लेस करके देख सकते हैं। और ये कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं, कैपेसिटर को चेक करोगे तो आप कंटिन्यूटी पॉइंट पे रख के चेक करोगे तो रीडिंग कुछ रीडिंग देते ही खैम वन हो जाएगी, तो वन हो गई तो समझ लो हमारा कैपेसिटर ठीक है। यदि रीडिंग देते रहा या बीप की दिक्कत आए बीप दे तो समझ लो हमारा कैपेसिटर ख़राब है और वीक है। अब हम इसे वापस अपनी उसके अंदर जोड़ के बताते हैं, कस के बताते हैं हमारी जे लाइट ठीक हुई या नहीं हुई, हमने इसका रेजिस्टेंस चेंज कर दिया है। अब हम इसे कसते हैं, इसके स्क्रिप्ट को लगाने का तरीका है इसके अंदर सॉकेट दिया होता है, इससे इसके अंदर फंसा के सीधे धीरे धीरे अंदर डालते जाओ। ठीक, अब हम इसे लगा लेते हैं इसके अंदर ताके लगा लेते हैं। जो लाल तार होता है वो पॉजिटिव होता है, जो ब्लैक तार होता है वो नेगेटिव होता है। इसमें हम देखेंगे हमें सिंबल दिए हुए हैं पॉजिटिव और टू नेगेटिव, हम पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे नेगेटिव को नेगेटिव में। ये हमारा सिंपली लग गया। अब हम इस वायर के तारों को सर्किट से ज्वाइंट करेंगे।
अब हम इसके वायर को ज्वाइन करते हैं। देखिए हमारा ये जॉइंट हो गया है, अब हम इसे सिंपली अंदर कर देंगे और इधर से प्रेस करेंगे। तो हम इसे इसका कैप लगा देंगे। अब हम इसे जला के देखेंगे कि चालू हुई या नहीं हुई। देखिए जो देखिए हमारी ट्यूबलाइट सही हो गई। ठीक है, हमारा सिर्फ सिंपली एक रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया था, उसके चक्कर में हमारी पूरी ट्यूबलाइट शॉर्ट हो गई, बंद हो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।